बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो माहौल बना और हम एक फैसले तक पहुँचे, इससे कबल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, अगरचे वो रस्मी नहीं थी लेकिन इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू रही, और उसमें हमारे स्पीकर साहब भी थे, मुस्लिम लीग के दोस्त भी थे। बहरकैफ आज पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ बलोचिस्तान की ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने जवाबन कहा कि हम अपने ऑफिस में हैं तो आप यहाँ तशरीफ लाए और मज़ीद मामलात हम यहाँ तय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है कि बलोचिस्तान में अगर हम तीनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो पहली बात तो ये है कि हमारे मेंबर जो हैं वो बिला मुकाबला आ जाएंगे, और अगर कहीं मुकाबला हुआ भी तो वो न होने की बराबर है। तो ये एक सियासी माहौल में एक अच्छी पेशरफ्त है, और इसी तरह हम चाहेंगे कि जब हमारे गिलानी साहब भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें, ताकि एक पार्लियामेंट में एक अच्छा सा माहौल बने। तो यही चंद गुजारिशात थी जो आप हजरात के सामने रखी, बाकी मामला फिर बाद में इंशाल्लाह देखें। जी, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे मुखातब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल साहब और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जकरानी साहब और JUI का डेलीगेशन को मैं वेलकम करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में। मुझे खुशी हुई कि हमारी एक मुज़ाकराती टीम थी मुतहदा एक गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें डार साहब भी थे, मैं भी था, खुर्शीद शाह साहब भी थे, नवीद कमर साहब भी थे और राजा परवेज अशरफ साहब भी थे। हम दो तीन मरतबा मौलाना साहब से हमने बात की, तो वो हमने एक सिलसिला जारी रखा, और फिर उसके लिए जो फाइनल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जकरानी साहब ने और सदर साहब ने ख़ुद उनसे बात की, तो आज जो डेलीगेशन यहाँ आया है हम इनको वेलकम करते हैं। मौलाना साहब ने उम्रे पे जा रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दूसरे को वोट करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी।